हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि मोल किसे कहते हैं और मोलों की संख्या से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसी के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको सामने एक सारणी नजर आ रही है, एक टेबल बनी हुई है। देखो, इसमें इधर तो लिखा हुआ है पदार्थ, उसके मोल लिखे हुए हैं कि किसी भी पदार्थ के कितने मोल हैं। हमें उसमें बताने हैं कि कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, उसका भार कितना है उस पदार्थ का, और आयतन कितना है एनटीपी पर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। जैसे हमने सबसे पहले जो पदार्थ लिया वो लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल हैं? एक मोल। तो हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल है, तो हमें बताने हैं कि अणु कितने होंगे। तो ये तो परमाणु है, तो इसमें अणु तो आप बता नहीं सकते। वैसे बता सकते हैं, पर यहाँ हम जनरली स्टार्टिंग में बेसिक क्लियर करते हुए हम यहाँ नहीं बताने के कि हाइड्रोजन तो परमाणु है, तो अणु तो इसमें कैलकुलेट कर नहीं रहे। अब आई बात परमाणु की। देखो, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? एक मोल। तो परमाणु कितने होंगे एक मोल में? 6.022 × 10³³। ठीक है, ये तो हो गए परमाणुओं की संख्या। अब क्या बतानी हमें? भार। अब यूं देखो, एक मोल परमाणुओं का भार किसके बराबर होगा? परमाणु भार के। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक। तो मैं लिखूंगा 1 ग्राम। तो एक मोल हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होगा? 1 ग्राम। आयतन, अभी यो गैसीय अवस्था में नहीं है, तो आयतन में कुछ नहीं लिखा हमने। दूसरा, अब हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल हैं? दो। हाइड्रोजन परमाणु के दो मोल हैं, तो अणु तो इसके निकलने के नहीं, क्योंकि परमाणु है। पर परमाणु कितने हो जाएंगे? एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, तो दो मोल में कितने होंगे? इसके जस्ट डबल होंगे। तो आप लिखोगे 2 × 6.022 × 10³³। ये आगे इसके क्या? दो मोल में परमाणु। अब देखो, दो मोल में आपको बताना कि भार या द्रव्यमान कितना है। एक मोल का भार होता है मोलर द्रव्यमान यानी परमाणु भार के बराबर। तो दो मोल का भार कितना हो जाएगा? इसका परमाणु भार का डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 × 1, यानी कि कितने ग्राम? 2 ग्राम। और आयतन हम बता नहीं सकते अभी, इस गैसीय अवस्था नहीं दिखाई, अभी दिखाया एच परमाणु। जो आयतन बताया जाएगा वो सिर्फ गैस का बताया जाएगा, एनटीपी पर आयतन, जिसे आप कहते हो मोलर आयतन। अब तीसरा देखो केस क्या है। तीसरा केस है H2। अब तो H2 तो गैस है, आपको बता हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। H2 गैस के कितने मोल हैं? एक मोल। तो H2 तो अणु है, तो अणु है तो इसका मतलब एक मोल अणु लिए तो कितने अणु हुए? 6.022 × 10³³ अणु, ये इतने अणु हुए। और परमाणु, अब देखियो बेटे, एक अणु में कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के दो, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? इसके जस्ट डबल होंगे, यानी कि 2 × 6.022 × 10³³ परमाणु। भाई जब इतने अणु है तो परमाणु तो उसके जस्ट डबल होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में परमाणु कितने हैं? दो हैं। अब भार देख लो, यूं बताओ बेटे, H2 परमाणु है या अणु है? अणु है। जब H2 अणु है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका एक मोल का भार इसके अणु भार के बराबर होगा। और हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है? दो। तो यहां लिखेंगे हम कितना? 2 ग्राम। अब आयतन, हाइड्रोजन तो गैस है, और किसी भी गैस के एक मोल का आयतन एनटीपी पर कितना होता है बताओ? 22.4 लीटर। इसका आयतन होगा 22.4 लीटर। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन, NaCl। NaCl का एक मोल है, एक मोल में कितने अणु होंगे? 6.022 × 10³³। ठीक है, अणु कह दो, या आप अणु नहीं कहते तो आयनिक यौगिक होगी, यूनिट कह दो, एक ही बात है। अणु ही जनरली हम यूज करते हैं अणु। तो NaCl के कितने अणु हुए? 6.022 × 10³³, जिसे आप कह सकते हो Na भी लिख सकते हो इसकी जगह। और परमाणु कितने हुए? देखो, इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं? दो हैं, एक Na का एक Cl का। तो परमाणु कितने हो जाएंगे? 2 × 6.022 × 10³³, ये हो गए परमाणु। अब भार, भाई NaCl के एक मोल का भार इसके अणु भार के बराबर होगा, या सूत्र भार के बराबर होगा, और जो होता है 58.5। तो इसका भार होगा 58.5 ग्राम, एक मोल का भार। आयतन हम इसका लिख नहीं सकते क्योंकि NaCl कोई गैस नहीं है। अब आ जाओ H2O। H2O के कितने मोल लिए हमने? दो मोल। दो मोल में कितने अणु होंगे? भाई एक मोल में होते हैं अणु 6.022 × 10³³। एक मोल में तो इतने होते हैं, पर हमारे पास दो मोल है तो 2 से गुणा कर दो, इतने हो जाएंगे बस परमाणु। अब मुझे यूं बताओ कि इतने अणु हैं और इसमें निकालने हैं हमें परमाणु, तो एक अणु में कितने परमाणु हैं इसके? दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, तीन है। तो तीन परमाणु है, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? तीन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि तीन से मुझे मल्टीप्लाई करनी इसकी,
दो गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 को एन ए लिख दूं? जगह कम है क्योंकि यहाँ एन ए का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है, जिसे आप कहते हो अवोगाड्रो संख्या। इतनी जगह नहीं थी इसलिए मैंने एन ए लिख दिया। अब बात आई भार, यूं बताओ बेटे H2O का अणु भार कितना होता है? 18। 18 होता है ना, सिखा रखे हैं आपको परमाणु भार भी और अणु भार भी, पिछले वीडियोस में देख लियो आप। H2O का अणु भार 18 होता है, यानी और मोल कितने हैं हमारे पास? 2। तो भार कितना हो जाएगा? 2 गुणा 18, तो 18 दूनी कितने हो गए? 36। 36 ग्राम हो गया इसका भार। आयतन, H2O यदि द्रव अवस्था में है तो इसका कोई आयतन नहीं होने का, गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट इस पे। ये है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी गैस है, 2 मोल दे रखे, तो 2 मोल दे रखे तो 2 मोल में कितने अणु होंगे? 2 गुणा अवोगाड्रो संख्या, यानी कि 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। परमाणु कितने होंगे? देखो एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु हैं? इस संख्या को 2 से गुणा कर देंगे हम। देखो ये तो थे हमारे पास अणु, ये अणु थे ना, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या निकल गए? परमाणु भार। ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? 16 दुनी 32, 32 होता है। और ये हमारे पास कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, तो इसका मतलब ये होगा 2 गुणा 32, यानी 32 दुनी 64 ग्राम। आयतन, ऑक्सीजन तो गैस है, 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, पर हमारे पास O2 के कितने मोल हैं? देखो 2 मोल, तो 2 मोल का आयतन कितना हो जाएगा? 2 गुणा 22.4, तो कितना हो जाएगा? 22 दुनी 44 और 4 दुनी 8, 44.8 लीटर। ठीक है, अब आ जाओ CO2। CO2 का 1 मोल दे रखा, तो 1 मोल में अणु कितने होंगे? अणु इतने होंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23। परमाणु कितने होंगे? एक में कितने परमाणु हैं? 3, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, 3 परमाणु हैं, तो इतने में कितने परमाणु होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप एवोगैड्रो नंबर को। भार कितना होगा? CO2 का अणु भार कितना होता है? 44, तो 1 मोल है तो 44 ग्राम ही तो होगा, कितना होगा? 44 ग्राम। आयतन कितना होगा? CO2 के 1 मोल का आयतन होगा मोलर आयतन के बराबर, यानी 22.4 लीटर, 1 मोल है ना, 22.4 लीटर। अब आ जाओ आप, अगला पदार्थ है NaOH, NaOH के कितने मोल दे रखे? 3 मोल, 3 मोल में अणु, 3 मोल में अणु इतने होंगे 3 गुणा एवोगैड्रो नंबर, इतने होंगे। परमाणु कितने होंगे? देखो कितने परमाणु है इसमें, एक सोडियम का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, 3, तो परमाणु कैसे निकलेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये निकल गया आपके परमाणु। देखो इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करा हमने। उसके बाद भार, 1 मोल का भार होता है 40 ग्राम, इसका इसका मोलर द्रव्यमान 40 है ना, अणु भार 40 है, 1 मोल का द्रव्यमान 40 ग्राम होता है, पर ये हमारे पास कितने मोल हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, कितने ग्राम आया? 120 ग्राम। अब भाई बात किसकी? आयतन की। आयतन, NaOH तो कोई गैस नहीं है जो इसका आयतन बताया जाए, तो इस तरह आपके पास जो है आपको एक बात समझ में आई होगी कि कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ के आपको कितने ही मोल देने, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कितने ही मोल देने, आप उस पदार्थ में अणु निकाल सकते हो कितने हैं, परमाणु निकाल सकते हो कितने हैं, भार भी निकाल सकते हो, आयतन भी निकाल सकते हो यदि वो गैसीय अवस्था में, और तो और उसमें आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। तो ये मोल कंसेप्ट है, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पढ़ाई को एंजॉय करो, एंजॉय। ठीक है, ओके।